पटियाला पुलिस, मानजोग डीजीपी पंजाब, मानजोग आईजी पटियाला रेंज के दिशा निर्देश हेठ असी लगातार जिहड़े आ हीनस क्राइम्स ते जिहड़ी अनसुलझी वारदातां ने उन्हां नूं ट्रेस कर रहे हैं। जनवरी महीने च पटियाला पुलिस ने अज जिहड़ा है पंजवां ब्लाइंड मर्डर साडा सीगा ट्रेस किया। इस दे नाल ही तकरीबन पिछले कई सालों तो जिन्हें भी साढ़े ब्लाइंड मर्डर अनट्रेस सीगे तकरीबन सारे ट्रेस हो गए। मिति 13 जनवरी नूं एक लाश जिहड़ी आ सनौलिया पिंड दे घनौर शंभू टी पॉइंट के लागे रोड ते पई होई मिलती है, नाल उत्थे उहदी स्कूटरी मिलती है ते मरण वाले का नाम जतिंदर सिंह सीगा जिहड़ा इलैक्ट्रॉनिक्स की दुकान करता। घनौर पुलिस ने सब तो पहला एक्सीडेंट का मुकदमा दर्ज किया, पर जदों इहदी सानू शक होया ते असी इहदी डूंघाई नाल पड़ताल की। एसपी डी हरबीर अटवाल, डीएसपी डी सुखमृत रंधावा, डीएसपी घनौर रघबीर सिंह, इंचार्ज सीआईए पटियाला शमिंदर सिंह ते एसएचओ घनौर गुरनाम सिंह, इन्हां ने बहुत बरीकी नाल इहदी तहकीकात करदे होए सानू इहदे च खदशा होया कि यह मर्डर आ। जदों इहनूं डूंघाई नाल असी वाचिया ते तकनीकी पहलुआं दे आधार ते इहदी तफतीश कीती ते इह गल सामने आई कि जिहड़ा मरण वाला सीगा जतिंदर सिंह, इहदी फरवरी 2022 च मैरिज होई सी। इहदी वाइफ ते एक बंदे नाल नजायज़ संबंध सीगे ते जिहड़े दो दोषी ने गुरदयाल सिंह उर्फ निहाल ते जसविंदर सिंह उर्फ जस्सी, ये दोनों भी शंभू एरिए दे रहण वाले आ। इन्हां दोनों ने बड़े ब्रूटल तरीके नाल उहदी पहलां रेकी कीती, उस तों बात करदे होए सानू इहदे च खदशा होया कि यह मर्डर आ। जदों इहनूं डूंघाई नाल असी वाचिया ते तकनीकी पहलुआं दे आधार ते इहदी तफतीश कीती ते इह गल सामने आई कि जिहड़ा मरण वाला सीगा जतिंदर सिंह, इहदी फरवरी 2022 च मैरिज होई सी। इहदी वाइफ ते एक बंदे नाल नजायज़ संबंध सीगे ते जिहड़े दो दोषी ने गुरदयाल सिंह उर्फ निहाल ते जसविंदर सिंह उर्फ जस्सी, ये दोनों भी शंभू एरिए दे रहण वाले आ। इन्हां दोनों ने बड़े ब्रूटल तरीके नाल उहदी पहलां रेकी कीती, उस तों बाद पिछों एक रॉड जिहड़ी अगे जिहदे दराट लगी हुई सी उहदे नाल उहदे सिर ते सट्टां मार के जदों जा रहा सी मोटरसाइकिल ते उहदा मर्डर किया। मर्डर करन तों बाद उहनूं जिहड़ी लागे दी पैड़ी च कणक बीजी सी उत्थे लिजा के बार बार बड़े ब्रूटली उहदे सिर ते सट्टां मारियां। उस तों बाद उहदी डेड बॉडी ये रोड किनारे लाए ते उहनूं एज़ आ एक्सीडेंट शो करन लई इन्हां ने वो लाश उत्थे रख रखन तो बाद इन्हां ने दोबारे उहदा गल घोट के इनश्योर किया कि उहदी जिहड़ी आ मृत्यु हो गई ते असीं दोनों दोषी अरैसट कर ले आ। बहुत ही वधिया तरीके की तफतीश इस सारी टीम ने जिहड़े अफसरां दा मैं नाम लिया सी इन्हां ने कीती ते इह जिहड़ा एक ब्रूटल मर्डर सी ते बिल्कुल ही ब्लाइंड मर्डर सी। मतलब जदों भी कोई रोड किनारे मोटरसाइकिल ते डिगी हुई लाश मिलती है ते आम तौर ते उह एक्सीडेंट ही जापदी है, पर उहनूं असीं ट्रेस करके दोनों दोषी इहदे च अरैसट कर लिया। ये असीं तफतीश च अगे नूं वाचांगे कि जिहड़ी इह साजिश सीगी इहदी वाइफ नूं इस बारे पता सी कि नहीं, कि कल्ले इहदे आशिक नहीं कीता जिहड़ा, पर इह वेखण वाली गल आ कि लगातार इस महीने च साडा पंजवां ब्लाइंड मर्डर आ जिहड़ा असीं ट्रेस कर लिया। हुण पटियाला पुलिस दे तकरीबन सारे 99% मर्डर जिहड़े आ उह ट्रेस ने। उस तों इलावा मैं इह वी दसणा चाहांगा कि मानजोग मुख्यमंत्री पंजाब अते मानजोग डीजीपी पंजाब दे दिशा निर्देश हेठ जिहड़ा नशा मुक्त पंजाब दा सुपना है उहदे तहत भी पटियाला पुलिस ने पिछले 3 महीनों तों तकरीबन 200 NDPS दा मुकदमा, जिहदे तों तकरीबन 50 तों 55 मुकदमे कमर्शियल क्वांटिटी दे हैगे, उह वी असीं दर्ज कीते। कई असीं NDPS दे PO जिहड़े भगोड़े आ वह भी फड़े, एक्साइज़ की भी वधिया रिकवरियां हुई हैं। तो मैं पटियाला दे समूचे सिटीजनस नूं इनश्योर करना है कि असी पटियाला नूं क्राइम फ्री अते ड्रग फ्री दा जिहड़ा साडा टीचा है वह असी मुकम्मल रूप नाल उहनूं पूर्ण करांगे। धन्यवाद। देखो मैं तुहानूं दसदा, पुलिस का काम है एनफोर्समेंट,
ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਚੇਨ ਆ, ਡਿਮਾਂਡ ਤਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ, ਆਪਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਦੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਐਨ ਜੀ ਓਜ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਆ, ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਜਰਨਲਿਸਟ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨੋਨ ਨੇ ਨਸ਼ੇ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਤਾਂ ਕਰੀਏ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਂ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੋਰਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਡਰੱਗ ਉਹਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ। ਦੇਖੋ, ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਨਟੱਚ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਇਹਨੂੰ ਇੰਟਰੋਗੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਰਡਰ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਆ, ਇਹ ਵਾਈਫ ਦੀ ਸ਼ਹਿ 'ਤੇ ਰਚੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਆਸ਼ਿਕ ਨੇ ਡਿਸਪਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਰਚੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ। ਹਾਂ, ਰਿਕਵਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜਾ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਰਤੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ, ਅਤੇ ਦੋਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਡੇ ਅਰੈਸਟ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਆ ਜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰੀਏ, ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਕ੍ਰਾਈਮ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਮੁਸਤੈਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰੀਏ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਆ ਕਿ 5ਵੀਂ ਵਾਰਦਾਤ ਅਸੀਂ ਅੰਨੇ ਕਤਲ ਦੀ ਟਰੇਸ ਕੀਤੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਸਖ਼ਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਆ ਉਹ ਭੱਜ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟਰੇਸ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਵੀ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।